आज का हमारा टॉपिक है कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये एक्सपेरिमेंट जेजे थॉमसन ने किया था, और एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है ये जेजे थॉमसन ने बताया था। तो जेजे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट क्या था, उन्होंने एक यहाँ पर कैथोड रे ट्यूब ली, ये ग्लास की होती थी, और इसमें वैक्यूम क्रिएट किया सक्शन पंप से, इसकी पूरी गैसेस निकाल ली, मतलब अब अंदर कोई भी गैस नहीं है। फिर ये रॉड है, मेटल रॉड है, एक वो है एक वो है, और इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये निगेटिवली चार्ज कैथोड हो गई और पॉजिटिवली चार्ज एनोड हो गई। अब जब हाई वोल्टेज इन दोनों इलेक्ट्रोड के अक्रॉस थॉमसन ने लगाया और इसके अंदर की सारी गैस निकाल दी, मतलब कि प्रेशर कम कर दिया, प्रेशर कम किया और वोल्टेज बढ़ाया, तो प्रेशर कम किया और वोल्टेज बढ़ाने से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई है। यहाँ पर क्या है, ये जो निगेटिवली चार्ज है, इसका मतलब यहाँ पर बहुत सारे पार्टिकल ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। अब क्या हुआ, एक रे यहाँ से यहाँ ट्रेवल करके गई। अब इस रे, ये रे जो थी, जो इलेक्ट्रॉन रे है, ये कैथोड से निकली, इसलिए कैथोड रे बोल दिया। ये निगेटिवली चार्ज होगी, क्योंकि क्यों, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही है। ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी। अब क्या हुआ कि एटम होता है न्यूट्रल, एटम में कोई चार्ज नहीं होता, एटम ना ही माइनस की तरफ डिफ्लेक्ट होता है ना ही प्लस की तरफ डिफ्लेक्ट होता है, लेकिन यहाँ से जो पार्टिकल निकल रहे हैं, हर चीज़ एटम से मिलकर बनी है, ये एक इलेक्ट्रोड, ये एक मेटल रॉड भी एटम से मिलकर बनी है, तो एटम में ऐसी क्या चीज़ है, उस टाइम पर एटम को हम न्यूट्रल मानते थे। थॉमसन ने बताया कि एटम में निगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं जिनको इलेक्ट्रॉन कहा गया, तो पहले एटम न्यूट्रल था, लेकिन थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर दी। अब कैसे करी, एटम न्यूट्रल है, ये भी इलेक्ट्रोड भी एटम से मिलकर बनी है, तो इसमें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो निगेटिव की तरफ जाए या पॉजिटिव की तरफ जाए, क्योंकि एटम न्यूट्रल है। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन बीम पॉजिटिव एनोड की तरफ मूव करी, तो उन्होंने बोला एटम तो न्यूट्रल है, तो ये जो बीम है, ये जो ट्रेवल कर रही है, ये क्या है? तो कई लोगों ने बोला यार ये तो लाइट है, ये तो लाइट जैसी दिख रही है, लाइट जैसी चमक रही है, तो ये तो लाइट है। तो उसको प्रूफ करने के लिए थॉमसन ने यहां पर इस तरह से एक पॉजिटिव प्लेट लगा दी और यहां पीछे फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा दिया। फ्लोरोसेंट स्क्रीन से जिंक सल्फाइड स्क्रीन, जैसे ही इसमें इलेक्ट्रॉन टकराएगा, इसमें स्किंटिलेशन होगा, एक चमक प्रोड्यूस होगी, तो इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करने लगा। पहले इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट लाइन में आ रहा था, लेकिन जैसे ही यहाँ पर पॉजिटिव एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस तरफ डिफ्लेक्ट हो गया। इसका मतलब क्या है, थॉमसन ने बोले ये लाइट नहीं है, लाइट होती तो डिफ्लेक्ट ही नहीं होती, ये जरूर निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने बोला अब मैं एक और चीज़ प्रूफ कर देता हूँ कि ये लाइट नहीं है। उन्होंने एक छोटा सा फैन यहाँ पर रखा जो कि रिवॉल्व हो सकता था, इस फैन को यहाँ पर रखा, बैटरी को लगाया, जैसे ही बैटरी को लगाया ये फैन रिवॉल्व होने लगा। अगर ये लाइट होती, अगर ये कैथोड रे लाइट होती, तो ये फैन रिवॉल्व नहीं होता। क्यों? लाइट का मास नहीं है, फोटोन का मास नहीं है, इलेक्ट्रॉन का मास है। इलेक्ट्रॉन जब इससे टकराएगा तो वो रिवॉल्व करा सकता है, लेकिन लाइट रिवॉल्व नहीं करा सकती। तो ये उन्होंने पोस्टुलेट बता दिया
कि जो भी पार्टिकल है, जो कैथोड रे है, कैथोड रे की उन्होंने प्रॉपर्टी बताई, पहली प्रॉपर्टी ये बताई कि इट इज निगेटिवली चार्ज। निगेटिवली चार्ज क्यों है? क्योंकि पॉजिटिव एनोड की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही है। सेकेंड, इट हैज मास। और सही बात है, इलेक्ट्रॉन का मास है तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 × 10⁻³⁻³ kg। इसमें मास भी है। अब ये निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही थी, निगेटिव से जनरेट हो रही थी, इसलिए हमने इसे क्या बोल दिया, कैथोड रे। और कम प्रेशर और ज़्यादा वोल्टेज पर ये रे हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि अगर प्रेशर ज़्यादा हुआ, गैस मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हुए, तो ये गैस मॉलिक्यूल्स इस रे को पास नहीं होने देंगे, इलेक्ट्रॉन को डिफ्लेक्ट नहीं होने देंगे। अब सबसे पहले ये सभी साइंटिस्ट ये जानते थे कि एटम न्यूट्रल है, इसमें किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है, ना ही ये कैथोड की तरफ जाएगा, ना ही ये एनोड की तरफ जाएगा। जब ये कैथोड की तरफ नहीं जाएगा, एनोड की तरफ नहीं जाएगा, तो इसमें किसी भी तरह का कोई चार्ज भी नहीं है। लेकिन थॉमसन ने ढूंढ दिया कि इसमें निगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं और जिनको इलेक्ट्रॉन कहा। तो थॉमसन से पूछा कि आपके अकॉर्डिंग एटम कैसा होना चाहिए, एटम का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। तो थॉमसन ने बोला कि निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन या निगेटिवली चार्ज पार्टिकल इस स्फीयर में डिस्पर्स हैं। तो उन्होंने थॉमसन मॉडल ऑफ एटम दिया, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, जिसको हम बोलते हैं प्लम पुडलिंग मॉडल, या इसको हम वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं। वाटरमेलन मॉडल मतलब कि एक वाटरमेलन को काटो, जो सीड्स हो गए वो इलेक्ट्रॉन हो गए और वाटरमेलन हो गया एटम। फिर ये अपना हो गया थॉमसन मॉडल ऑफ एटम।